निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं खेमराज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री की क्लास, और ये जो केमिस्ट्री क्लास है आपके रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। यहां से हम पूरी कोशिश करेंगे आपका बेसिक जीरो लेवल से और हाई लेवल तक, यानी कि ग्रुप डी में आपको कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाए, कितना भी घुमाकर प्रश्न पूछ लिया जाए, सारे क्वेश्चंस आप यहां कर पाए, ऐसी उम्मीद लेकर, ऐसी यहां पर सोच लेकर आज हम जो केमिस्ट्री क्लासेज हैं इनको यहां पर शुरू करें गाइज। और कोशिश ये करेंगे कि यहां पर आपकी फरवरी, ठीक है, 25 फरवरी तक अपना जो केमिस्ट्री है इसको हम पूरा कर दें, और फिर जल्दी ही हम जो बायोलॉजी की क्लास है उसको भी पूरा कर दें, और बाद में टाइम बचेगा तो हम यहाँ पर जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पे करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है, आप हमारी इस पाठशाला पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, हमें मोटिवेशन देने के लिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि रोज अधिक से अधिक स्टूडेंट जब देखेंगे हमको और मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा कंटेंट हम आपको देने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सिलेबस अपना रहने वाला है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर साइंस का सिलेबस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन हम देखेंगे कि केमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पहले हम पढ़ेंगे पदार्थ व इनका वर्गीकरण, यानी कि जो मैटर्स होते हैं, पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, यानी कि आपकी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन वर्तमान में पांच आपकी क्या होती हैं, जो आपके पदार्थ होते हैं उनकी अवस्था होती है, ठीक है। दो और एड हो गई है, एक होती है प्लाज्मा जो आपके ब्लड का पार्ट भी होता है, और एक आपकी होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, ये भी आपके एड हो गई है, ये आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इनका वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है, पदार्थ होते हैं, मिश्रण होते हैं, है ना, और आपके जो पदार्थ होते हैं उनको कैसे-कैसे कैटेगराइज किया गया है, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। पदार्थ के क्या गुण होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और आपके पदार्थों में आकर्षण बल होता है, इनका आकार, आयतन किसका कैसे-कैसे बदलता है, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अणु, परमाणु भार क्या होता है, अणु भार क्या होता है, मोल संकल्पना क्या होती है, अवोगाड्रो नंबर क्या होते हैं, इनके बारे में। मोल के ऊपर बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि मोल ज्ञात कीजिए, आपको ग्राम में भार दे रखा है ना, और आपसे पूछे इसका मोल ज्ञात कीजिए, परमाणु भार कैसे ज्ञात करते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का रूल जो होता है, मास कंजर्वेशन रूल जो होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे ये क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है, जोसेफ प्राउस्ट, ठीक है, आपको याद होगा उन्होंने नियम दिया था, तो स्थिर अनुपात का नियम जो है इसके बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होता है और कैसे अप्लाई होता है। फिर हम पढ़ेंगे मिश्रण को अलग करने की विधियां, आपने यह जरूर पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए एक दूध है, दूध के अंदर कोई और चीज ऐड हो गई है, उसको हम अलग कैसे करेंगे, ऊर्ध्वपातन, प्रभाजी आसवन, गर्म करना, चुमकीकरण, ये सारी बहुत सारी विधियां होती हैं जिनसे हम, कोई मिक्सर आपको दे रखा है उसको हम अलग कर सकते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षार, लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल की कौन कौन सी वैज्ञानिकों ने क्या क्या परिभाषा दी थी, आपको पता होगा आरेनियस, लुईस, ब्रांस्टेंट, लोरी, इन्होंने आपकी अलग अलग परिभाषा दी थी। फिर आपके पीएच स्केल की खोज की सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने, फिर उन्होंने पीएच स्केल के बारे में बताया, पीएच स्केल कैसे कैसे काम करता है, कैसे कैसे हम पता लगाएंगे कोई अम्ल है या क्षार है, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर संसूचक जो होते हैं, इंडिकेटर होते हैं, उनका भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। आपने बहुत सारे लवण जो होते हैं उनके बारे में सुना होगा, NaCl, NaOH, बेकिंग सोडा, आपका बेकिंग सोडा है ना, POP, और आपका जिप्सम है, कैसे बनाए जाते हैं, कहां कहां काम आते हैं, उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एसिड, बेस एंड साल्ट में। फिर हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन लिखना, रासायनिक समीकरण लिखना, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, उनके बारे में हम डिटेल से यहां पर पढ़ेंगे। और साथ ही हम पढ़ेंगे यहां पर देखिए रासायनिक बंधन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक के जो बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं आपका, इसके अलावा आपके धात्विक बंध होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड, उनके बारे में पढ़ेंगे कैसे कैसे होते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं वो कैसे बनते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे गैस के नियम, गैस के जो लॉ होते हैं, आपके चार्ल्स का नियम, ठीक है, जो आपके नियम दिए गए थे गैस के, जो नियम है सारे हम पढ़ेंगे, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम,
फिर हम आदर्श गैस समीकरण है पीवी बराबर एनआरटी, ये कहां से आता है और इसमें बाद में क्या संशोधन किया गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही जो क्वेश्चंस हैं इनके ऊपर रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं केमिस्ट्री में, उनको भी गाइस हम करने की कोशिश करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे परमाणु सिद्धांत, ठीक है, यानी कि आपके एटोमिक जो आपके मॉडल दिए गए थे, जैसे आपका नील्स बोर का सिद्धांत आया था, फिर आपके रदरफोर्ड ने, जे.जे. थॉमसन ने, इन्होंने जो मॉडल दिए गए थे परमाणु के बारे में, इन्होंने क्या क्या बताया, कोई किस सिद्धांत की क्या कमियां रह गई थी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जिसको बोलते हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, और गाइज इसमें हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और गाइज ये जो टॉपिक है रेलवे भर्ती परीक्षा 2018 में कई शिफ्टों में जो 25 नंबर की साइंस आती है, 8 से 10 क्वेश्चन सिर्फ इसी टॉपिक से आए थे, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण से। आपको ध्यान रखना है, हम सब कुछ आपको कवर कराएंगे बिल्कुल जीरो लेवल से। आपको एक्स्ट्रा सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, वो भी मैं एक सीरीज चला रखी अलग से, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे पूरी। मैंने अब तक रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा ग्रुप डी में 135 शिफ्ट हुई थी, 120 शिफ्ट का सोल्यूशन गाइस आपके लिए हिंदी और इंग्लिश में पूरे यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं करा रखा है, आपके लिए टाइपिंग करके हिंदी और इंग्लिश में गाइस मैं करवा रहा हूं, आप उसको देख सकते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे आपके जो तत्वों का वर्गीकरण किया था, न्यूलैंड का स्टक नियम, डोबे डाइनर के त्रिक, फिर आपके मेंडलीफ की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, फिर हम देखेंगे इसी में तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, यानी कि कौन सा आपका गुण होता है, आपका विद्युत ऋणता होती है, आपका आयनन ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है, ये आवर्त में और वर्ग में कैसे कैसे चेंज होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कार्बन व इसके यौगिक, कार्बन क्या होता है ना, कार्बन की क्या विशेषता होती है, कार्बन के अपरूप जो होते हैं ना, दो प्रकार के क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय, उनके बारे में पढ़ेंगे, हीरा ग्रेफाइट फुलरीन, कैसे इनकी ज्योमेट्री होती है, क्या काम ये आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसी में हम पढ़ेंगे इसके यौगिक, जैसे आपका सीएनजी होता है, एलपीजी होता है, ये कैसे बेटर होते हैं इसके, इसी में इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो आपका पॉलीमर होता है, बहुलक होते हैं, आपने बड़ा आपका पीवीसी नायलॉन 6-6 है ना, आपका पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल टेफ्लॉन वगैरह जो भी है, इनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बड़ा सिंपल सा टॉपिक होने को, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, कोई भी एलिमेंट आपको दिया गया है उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे कैसे लिखा जाता है उसके बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे आपके इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है उनका यूजेस कहां होता है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2018 में। मान लीजिए आपसे पूछा कॉपर का उपयोग कहां कहां होता है, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिनका यूज कहां कहां होता है उनके बारे में यहां पर हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे धातु, अधातु और उपधातु, यानी कि आपका मेटल, नॉन मेटल और आपका मेटलॉइड, इनके बारे में पढ़ेंगे, ये इनकी क्या क्या विशेषता होती है, इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे समस्थानिक और संभारिक, आइसोबार एंड आइसोटोप्स, ठीक है, ये क्या चीज होती है और इन्हें आवर्त सारणी में कहां रखा गया है इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे क्वांटम नंबर्स क्या होती हैं, क्वांटम संख्याएं क्या होती है और इनका क्या यूजेज है। तो गाइज ये है अपना केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस, और छोटे मोटे जो टॉपिक हैं इन्हीं के अंदर यहां पर ऐड किए गए हैं, मैंने आपको नहीं लिखे हैं, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, अगर हम उनके नाम लिखो तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, लेकिन वो आपके इन्हीं के अंदर, आपके इन्हीं के अंदर आते हैं, इनके अंदर समायोजित होते हैं, इसलिए मैंने उनके जो प्रमुख टॉपिक है उनके नाम लिख दिए हैं, और जो भी केमिस्ट्री टॉपिक आते हैं इन्हीं के अंदर यहां पर आएंगे। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं, आप जो अपना सिलेबस है इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम यहां पर जो पहला चैप्टर अपना पदार्थ, इनके बारे में पढ़ते हैं, पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, इनकी क्या विशेषता होती है, और आप यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है उससे सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको खुद पता लग जाएगा इस क्लासेस को देखने के बाद कि ये क्लास आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस क्वेश्चन आप करिए, लेटेस्ट आप खुद पता लग जाएगा कि ये क्लास और ये वीडियो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस टॉपिक्स को एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर यहां पर आपको हम जो अपनी क्लासेस है उसको हम शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि टेस्ट सीरीज होती है इनसे हम जो अपनी एग्जामिनेशन होती है उनमें टाइम जो सिस्टम होता है टाइम मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। इसके अलावा अपने जो वीकनेस है उसको हम देख सकते हैं, कौन सा सेक्शन अपना कमज़ोर है, किसको और बेटर से तैयार करें। तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर टेस्ट बुक एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज है जो आपके सारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है।
यहां पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो 299 का, तो यहां पर आपको और जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होती है, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, रेलवे में ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, जेई, सबकी आपको एक साथ ही टेस्ट सीरीज मिल जाती है, यानी कि आपको अलग से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा गाइज यहां पर पहले क्या था, हिंदी और इंग्लिश में ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल थी, लेकिन अब यहां पर क्या कर दिया गाइज, यहां पर और लैंग्वेज यहां पर ऐड कर दी, जैसे आप हिंदी इंग्लिश के अलावा तेलुगु, बंगाली और मराठी अगर यहां के भी स्टूडेंट हैं तो भी यहां पर टेस्ट गाइज आप दे सकते हैं। और यहां पर रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए लगभग 300-300 टेस्ट अवेलेबल हैं, तो अगर आपने किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज नहीं लिया है तो आप टेस्ट बुक को प्रीफर कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, आप इसको ले सकते हैं और अपनी जो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन है उसको और बेटर कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक दिया है, वहां पर क्लिक करें तो आपको जो प्राइस है 269 शो हो जाएगी। अगर आपको प्राइस 269 शो नहीं होती है तो आप खेमराज कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जिससे आपकी जो प्राइस है यहाँ पर 10% डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाएगी। तो गाइज आप इसको बाय करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आपके जो पदार्थ होते हैं इनको, देखिए द्रव्य भी बोलते हैं, ध्यान रखना, द्रव अलग चीज है और द्रव्य अलग चीज है। द्रव्य का मतलब होता है कि पदार्थ और द्रव का मतलब होता है लिक्विड, ये आपको ध्यान रखना है। तो बात करते हैं पदार्थ क्या होते हैं और पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ की क्या विशेषता होती है। देखिए पदार्थ क्या होते हैं, हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं पाई जाती हैं, तो हमारे आसपास की ऐसी वस्तुएं जिनमें दो अगर प्रॉपर्टी हो मेनली तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पदार्थ। देखिए हमारे आसपास ऐसी वस्तुएं जिनमें, पहली बात तो ये, उनमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होना चाहिए, यानी कि कुछ न कुछ आपका उनके अंदर मास होना चाहिए, और दूसरा वे आपके स्थान घेरती हैं, यानी कि उनका वॉल्यूम होना चाहिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पदार्थ। यानी कि वे वस्तुएं जिनमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है तथा जो जगह घेरती हैं, सरफेस घेरती हैं, उन्हें हम पदार्थ कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कोई भी पदार्थ होता है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके क्या गुणधर्म होते हैं। और गाइज यहां से रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 में 8-10 क्वेश्चन बने थे, ये जो मैंने आपके सामने 5 प्रॉपर्टी लिख रखी है इससे रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 में 8-10 क्वेश्चन आपके बने थे, ये जो 4-5 लाइन है इनसे। तो देखिए बात करते हैं पदार्थ की पदार्थ के गुणधर्म, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या विशेषताएं होती है। तो देखिए पहली विशेषता यह होती है कि पदार्थ होता है वो आपके कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे। अब आप कहेंगे सर कैसे, तो मैं आपको बता दूं, आप कोई भी पदार्थ आपके पास है, मान लीजिए आपके पास ठोस है, द्रव है, गैस है, कुछ भी होता है, उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हो या नहीं तोड़ सकते, तोड़ सकते हो ना। आपके पास लोहे की कोई चीज है उसको आप छोटे छोटे भागों में तोड़ सकते हो और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा आप उसे एक भी कर सकते हो, है ना। सीधा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो आपने देखा होगा, जैसे जो आपके चौक होते हैं लिखने के, तो जब उन चौक की मदद से हम कुछ भी लिखते हैं तो नीचे छोटे 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 बुरादे इकट्ठे हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो चौक के ही तो हिस्से होते हैं, और इतने छोटे 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 होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो पदार्थ होता है छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है, यह आपकी पहली परिभाषा, वो पहली आपकी विशेषता है, ध्यान रखना है। दूसरा, पदार्थ के कणों में आपस में आकर्षण बल होता है। आप कहेंगे सर कैसे आकर्षण बल होता है, मतलब पदार्थ के जो पार्टिकल है आपस में क्या होता है, अट्रैक्शन करते हैं एक दूसरे को, कैसे। आप कहेंगे सर कैसे, हमको तो पता नहीं लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं, मान लीजिए ये आपके पास कोई भी लोहे की चीज है, जब आप उसके ऊपर थोड़ी सी चोट करते हो तो इजिली नहीं टूटता है, क्योंकि उनके बीच आकर्षण बल ज्यादा होता है। मान लीजिए यहां पर अगर मैं द्रव की बात करूं या गैस की बात करूं, तो आपने देखा होगा, मान लीजिए आपके पास कोई नल है, कोई ठोटी है, अगर उसमें से कोई पानी टिपक रहा है ना, पानी का रिसाव कर रहा है, तो आपने देखा होगा कि पानी की जो बूंद है ऐसे ही नहीं गिर जाती, क्योंकि वहां पर आकर्षण बल लगता रहता है। और जैसे अगर आप मान लीजिए आपके पास कोई भी पदार्थ है ना जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, आप उसके अंदर से पानी को बाहर निकालोगे ना, तो वो आकर्षण बल लगता है, ऐसे नहीं है कि आपने यूं किया और आपने पानी निकाल लिया, वो आपके ऊपर कुछ न कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं, कुछ आकर्षण बल अप्लाई करते हैं। तो इससे पता लगता है कि जो आपके पदार्थ होते हैं, मैटर के जो आपके पार्टिकल होते हैं, उनके बीच आकर्षण यानी कि आपका अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है, आपके काम करता है। आगे बात करते हैं पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी कि आपके जो पदार्थ के जो पार्टिकल होते हैं वो आपके गति करते रहते हैं। आप कहेंगे सर ये आपका ये मार्कर है, ये तो अपने आप यही है, ये तो कहीं भाग के जा नहीं रहा। सर ये आपका बोर्ड है, ये तो कहीं भाग के जा नहीं रहा। फिर कैसे प्रूफ करोगे कि यहां पर जो आपके पदार्थ के जो कण है वो यहां पर गति कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो गुण पाया जाता है ना, ये आपके द्रव और आपके जो गैस होती है उनके अंदर पाया जाता है, उसके जो कण होते हैं आपके गति करते रहते हैं, गति करते रहे। गैस का उदाहरण बताऊं, देखिए मान लीजिए किसी ने परफ्यूम लगा रखी है, तो बताइए परफ्यूम लगा रखी है तो उसकी जो खुशबू होती है वो दूर तक फैलती है, नहीं फैलती है, कौन लेके जाता है उसको,
कौन लेके जाता है बताइए, है ना। तो आपको जानकारी, संवहन जो होता है आपको मैंने बताया था, ऊष्मा होती है वो संवहन के माध्यम से फैलती है। तो यानी कि पदार्थ के कण होते हैं गतिशील होते हैं, वैसे ही जो आपकी लिक्विड होती है उनमें भी क्या पाया जाता है, आपके बहने का गुण पाया जाता है, मतलब वो निरंतर क्या होते हैं, गतिशील रहते हैं, आपके गति करते रहते हैं, ठीक है। और आगे बात करते हैं अगले गुण की, इनके बीच रिक्त स्थान पाया जाता है, यानी कि ब्लैंक स्पेस पाया जाता है। सर ये बात भी नहीं बैठ रही, बताइए कैसे यहाँ पर ब्लैंक स्थान पाया जाता है, रिक्त स्थान कैसे पाया जाता है। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि भाई मान लीजिए आपने, आपके पास दूध है या दूध, आप जब चाय बनाते हो तो दूध के अंदर चीनी डालते हो, है ना, चीनी डालते हो, दूध के अंदर चीनी डाल दी तो आप कहेंगे सर चीनी कहाँ गई, भाई वो चीनी गई कहाँ, तो भाई दूध के अंदर मिल गई ना, इसका मतलब क्या है भाई, दूध के कणों के बीच कुछ न कुछ आपके खाली स्थान था, तभी तो दूध के जो पार्टिकल थे, दूध के जो कण थे उनके बीच में समाहित हो गए ना, बैठ गए ना, कि भाई दूध है, आपने चाय बनाने के लिए पानी लिया थोड़ा, फिर दूध लिया, दूध के अंदर चाय पत्ती डाली, चीनी डाली, अदरक डाली, और आप जो डालते रहो, लेकिन मान लीजिए चीनी डाली तो सर जो चीनी है वो कहाँ गई, वो दिखी नहीं रही, वो आपके दूध या पानी के कणों के बीच समाहित हो गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भाई जो इनके बीच क्या होता है, कुछ रिक्त स्थान पाए जाते हैं, तभी तो वो उनके बीच समाहित हो गई, इसलिए इसे प्रूफ होता है कि भाई इनके बीच क्या होता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। मैं चाहूं तो बोल दूं कि यार आप रट लो ये चीज होती है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं भाई कैसे कैसे होता है, ठीक है। ये आपके क्या होती है, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है जो आपको ध्यान रखना है। एक प्रॉपर्टी और होती है, इनमें गतिज ऊर्जा होती है, इनके जो कण होते हैं वो आपके गतिशील रहते हैं और अगर इनके टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो ध्यान रखना है इनकी जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी बढ़ जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे आपके जो पदार्थ हैं इनकी प्रॉपर्टी होती हैं और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 में। कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, आपको यहाँ पर चार ऑप्शन देता है, बताइए इनमें से कौन सा पदार्थ की विशेषता पर आधारित नहीं है। देख लीजिए मेरे पास ये बुक है, ठीक है, ये बुक है और यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिएगा, अगर आपके पास अगर ये बुक है तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है रसायन विज्ञान का, पदार्थ के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से चारों में से तीन तुकों कोई से तीन दे रखे हैं, एक ऐसे दे रखा है आपको पूछा गया था कौन सा गलत है कौन सा सही है, ऐसे 8-10 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 में, बड़ा सिंपल सा है, याद रख लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं द्रव के प्रकार के बारे में, यानी कि आपके जो पदार्थ होते हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। ध्यान रखना मैं पदार्थ की अवस्था की बात नहीं कर रहा, पदार्थ के प्रकार के बारे में बात कर रहा हूं। तो देखिए पदार्थ के दो प्रकार के प्रकार होते हैं, एक होते हैं प्योर पदार्थ, एक होते हैं इम्प्योर। अब देखिए प्योर और इम्प्योर से क्या अर्थ होता है, भाई प्योर ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के अवयव, एक ही प्रकार के घटक होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्योर, ठीक है, प्योर मैटर बोलते हैं। और एक आपके इम्प्योर होते हैं, अशुद्ध होते हैं, उनमें क्या होते हैं कि बहुत एक या अधिक प्रकार के अवयव, एक से अधिक प्रकार के जब उनके अंदर घटक मिला दिए जाते हैं तो आपके बन जाता है इम्प्योर यानी कि अशुद्ध, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो देखिए जैसे आपका लोहा है, अब भाई लोहे की आपके पास कोई चीज है शुद्ध लोहे की तो उसमें सिर्फ लोहे के ही परमाणु होंगे, ऐसा नहीं कि आधे ऑक्सीजन के हैं आधे लोहे के हैं। अगर बात करें सोने की, अब देखिए यहां पर ऐसे नहीं बोल रहे हम तो सोने को मिक्स करके लाएंगे, जो ओरिजिनली होता है ना उसकी बात करते हैं, जो सोना है ना, तो सोने में क्या होता है सिर्फ सोने के, क्योंकि सोना एक क्या है तत्व है, एलिमेंट होता है, और तत्व जो होता है ना, जो एलिमेंट जो होते हैं उनमें एक ही प्रकार के क्या पाए जाते हैं, एटम पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए सारे के सारे जो तत्व होते हैं वो आपके शुद्ध होते हैं, शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आते हैं, ये क्वेश्चन में आपके पूछे गए हैं। वाटर जो होता है, वाटर जल, ये भी आपका क्या होता है, शुद्ध की श्रेणी में आता है, ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं नॉर्मल वाटर की, है ना, समुद्री पानी की इनकी बात नहीं कर रहे हैं। आगे बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ध्यान रखना है ऑक्सीजन भी एलिमेंट होता है, तो ऑक्सीजन में क्या होता है, शुद्ध। आगे जो भी एलिमेंट है, जो भी आपके तत्व होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, शुद्ध। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि यौगिक जो बनाए जाते हैं, कंपाउंड जो बनाए जाते हैं रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वो भी आपके शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। ये क्वेश्चन रेलवे भर्ती 2018 में पूछे गए थे, बताइए निम्न में से कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है। आप यूथ पब्लिकेशन बुक उठा के देख लेना, प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है, ऑप्शन दे रखा था मिश्रण, एलिमेंट, यौगिक, ऐसे, ठीक है, वायु, ये आपके दिए गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं, इनके बारे में आपको एक यहां पर क्लियर कर दूं,
कि भाई जो यौगिक जो होते हैं यौगिक है ना, इनको कंपाउंड बोलते हैं अंग्रेजी में, कंपाउंड ठीक है, और इन्हें बोलते हैं मिक्सर ठीक है। तो कंपाउंड और मिक्सर में क्या डिफरेंट होता है भाई, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा दो या दो से अधिक जो आपके एलिमेंट है उनको निश्चित रेशियो में मिलाने पर जो आपके प्रोडक्ट बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। और दो या दो से अधिक जो आपके एलिमेंट है उनको ऐसे ही किसी भी, मतलब कोई फिक्स नहीं है, मतलब ऐसे ही आप मिला दोगे उनको है ना, कोई बिना किसी निश्चित रेशियो के, उन्हें हम बोलते हैं मिक्सर यानी कि मिश्रण। जो आपके कंपाउंड बनते हैं यौगिक बनते हैं वो क्या होते हैं आपके, स्थाई होते हैं। ये क्या होते हैं आपके, अस्थाई होते हैं ठीक है। आपके जो कंपाउंड होते हैं यौगिक जो होते हैं उनमें क्या होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। मतलब मान लीजिए आपने दो अलग अलग पदार्थ, दो के लिए तत्व लिए और उनको जब मिलाया तो जो यौगिक बना उसमें क्या होते हैं, जो पहले दो तत्व है ना इनके गुण नहीं पाए जाते हैं, मतलब एक अलग से नया क्या बनता है, नया पदार्थ बनता है। यह आपको ध्यान रखना है, यानी कि इनसे क्या बन जाता है, एक नया पदार्थ बनता है। जबकि यहां पर क्या होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता इसमें, उसी दोनों पदार्थ आपने मिलाए हैं उन दोनों के गुण यहां पर पाए जाते हैं आपके मिक्सर के अंदर। और आपको बताऊं तो यहां पर देखिए, जो आपके कंपाउंड होते हैं उनको हम इजीली किसी भी आपके जो भी कोई आपके रासायनिक अभिक्रिया है उनसे यहां पर वापस से ब्रेक डाउन करके, जो मूल आपके मूल जो आपके तत्व थे उनमें यहां पर नहीं ब्रेक कर सकते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जिनसे हम ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन जो आपका मिक्सर है उससे हम वापिस से शुद्ध पदार्थ होते हैं उनको यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके स्थाई होता है या आपका अस्थाई होता है, ये आपका ध्यान रखना है ठीक है। अब बात करते हैं इम्प्योर पदार्थ के बारे में। तो शीतल पेय जो आप पीते हो, शीतल पेय का मतलब कोल्ड ड्रिंक्स जो आप पीते हो। अब आपको पता है कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है, चाहे आप किसी भी कंपनी ले लीजिए, पेप्सी कोका कोला है ना, बहुत सारी आती है मार्केट में एक से बढ़कर एक। तो उनमें क्या होता है कि आपको पता होगा एक से अधिक क्या होते हैं आपके जो पदार्थ होते हैं आपके मिले हुए आते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, अशुद्ध ठीक है। ध्यान रखना है कि अशुद्ध, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं हमारी मिट्टी, हमारी मिट्टी भी क्या होती है, अशुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आती है। ध्यान रखना है वायु जो है यानी कि हमारी हवा, हवा जो होती है वो भी अशुद्ध की श्रेणी में आती है, अशुद्ध पदार्थ की श्रेणी में। आप कहेंगे सर कैसे, इसको बताइए, तो मैं आपको बताऊं जो वायु होती है, आप कहेंगे सर ये तो हमने पढ़ा है यहाँ पे अशुद्ध कैसे होते हैं भाई, 78% नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन की बात करें लगभग 21% ऑक्सीजन होती है, बाकी जो बची 1% उसमें सारी सारी आती हैं। फिर आप कहेंगे सर ये तो कैसे, तो मैं आपको बता दूं ये आपके अलग अलग प्रकार की गैसेज होती हैं, इनकी मात्रा भी आपके घटती बढ़ती रहती है, इसलिए ये आपके क्या होती हैं, अशुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आती हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है, इनके एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं भाई, कौन से शुद्ध होते हैं कौन से अशुद्ध होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके जो आपके एग्जाम्पल हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है गाइज, इनको आप नोट डाउन कीजिए। फिर हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्था, ठोस द्रव गैस प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में आपको डिटेल से बताते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो भी क्वेश्चंस यहां पर आए हुए होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर्स, या आपके कितने प्रकार की होती हैं और यहां से कौन कौन से प्रश्न आपके बन सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए पदार्थ की जो अवस्थाएं थी, पहले यहां पर तीन अवस्थाएं मानी जाती थी पदार्थ की, ठोस द्रव और गैस ठीक है, यानी कि आपका सॉलिड लिक्विड एंड आपका जो गैस है वो आपके तीन अवस्थाएं मानी जाती थी, लेकिन बाद में यहां पर पांच अवस्था यहां पर कर दी ठीक है। यहां पर देखिए पांच अवस्था कौन कौन सी होती हैं, ठोस द्रव गैस प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। एक चीज आपको पहले बता दूं, आपके जो पानी है, वाटर है, एक ऐसी यहां पर एक ऐसा पदार्थ है इस पृथ्वी पर, एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो आपके तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे पाया जाता है उसके बारे में। तो देखिए एक एक के बारे में हम डिस्कस करते हैं, पहले ठोस के बारे में पढ़ेंगे, फिर द्रव के बारे में और फिर गैस के बारे में, और प्लाज्मा और आपका जो BES है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, उसके बारे में यहां पर देखने वाले हैं। तो देखिए पहले हम देखते हैं आपके ठोस के बारे में, सॉलिड के बारे में। तो देखिए ठोस क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है। अब देखिए बात करते हैं भाई आकार क्या होता है और आयतन क्या होता है। आकार क्या होता है, जिस शेप में वो दिखते हैं, जैसे मार्कर है इसका एक आकार है, एक किताब होती है उसका एक आकार होता है, या आपका जो ब्लैक बोर्ड है व्हाइट बोर्ड है इसके भी एक शेप होती है। तो बाहरी जो बनावट होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, आकार। और आयतन क्या होता है भाई, कोई भी पदार्थ होता है उसके अंदर कितना लिक्विड या गैस हम भर सकते हैं उसे हम बोलते हैं उसका आयतन, यानी कि वॉल्यूम। तो देखिए आपके ठोस जो होते हैं उनके आकार व आयतन निश्चित होते हैं। अब कहेंगे आप सर बताइए कैसे निश्चित होते हैं, ठीक है। तो देखिए
आकार तो कैसे निश्चित होगा? मान लीजिए मेरे पास ये कंटेनर है, ठीक है, जिसे हम पानी पीते हैं, ठीक है, ये कंटेनर है। अब इसका आकार ऐसा कैसा रहेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि सर मैंने इसको रात रात रख दिया और सुबह आपको एक गिलास बन के बन गया, ठीक है। तो ये इसका आकार जो है, पानी पी लेते हैं तो देखिए इसका आकार है और आयतन है। आकार की तो बात होगी, आकार इसका निश्चित रहता है ऐसा कैसा, ठीक है। इसको आप कैसे भी रखो, इसका आकार है ऐसा कैसा रहेगा। इसको बाल्टी में रखेंगे आप, किसी भी कमरे में रखेंगे, इसका आकार ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब बात करते हैं आयतन की कि सर आयतन जो है इसका यहां पर कैसा रहेगा। अब मेरे को एक बताइए, एक चीज बताइए कि पहले जो था इसका, इसमें जो आयतन जो होता है इसके अंदर जितना पानी भर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि थोड़ी देर बाद में इसमें कम पानी भरा जाएगा। जितना पानी इसमें अब आ सकता है, है ना, थोड़ी देर बाद में उतना ही पानी इसके अंदर आएगा। इसका जो आयतन है, वॉल्यूम है, कभी बताइए चेंज होगा क्या? नहीं होगा ना, सीधी सी बात है। इसका कोई आकार है वो, इसका जो आयतन है कभी चेंज नहीं होगा। आकार और आयतन है कभी इसके चेंज नहीं होते हैं, फिक्स होते हैं। आगे बात करते हैं इसके घनत्व की, यानी कि डेंसिटी की। तो देखिए घनत्व के बारे में आपको पहले बता दिया है भाई, डेंसिटी जो होती है डी बराबर होती है एम अपॉन वी, यानी कि एकांक आयतन पर जो इसका द्रव्यमान होता है उसे हम बोलते हैं इसका घनत्व। कोई चीज कितनी भारी है या कितनी हल्की है उसका पता लगाते हैं घनत्व से, यानी कि आपके डेंसिटी से। जो वस्तु जितनी हल्की होती है ना वो तैरती है, जैसे आपका पानी है, पानी के अंदर बर्फ तैरती है, लेकिन लोहे का एक सिक्का होता है, कील है, वो आपके डूब जाती है। क्यों डूबती है? क्योंकि लोहे की जो कील है या सिक्का है वो भारी होता है। तो जो चीज भारी होती है जिनका घनत्व ज्यादा होता है वो डूब जाती हैं, जो हल्की रहती हैं वो तैरती रहती हैं। तो ध्यान रखना है कि जो ठोस होते हैं, सॉलिड जो होते हैं, उनकी डेंसिटी, उनका जो घनत्व होता है सबसे ज्यादा होता है आपके ठोस, द्रव, गैस, इन सब में, ठीक है। आगे बात करते हैं संपीड्यता क्या होती है, कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, यानी कि कंपैरिजन। अब देखिए कंपैरिजन क्या चीज है, ठीक है, यानी कि इन पर दाब लगाकर इनके आकार को परिवर्तित करना। मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, क्या मैं इसके आकार को नॉर्मली ऐसे इसको ऐसे दबाकर इसका आकार उसको छोटा कर सकता हूं या बड़ा कर सकता हूं? नहीं कर सकता ना। यानी कि यहां पर क्या होता है, इन पर जो संपीड्यता होती है वो सबसे कम लगती है, यानी कि इन पर जो आपका कंप्रेशन फोर्स होता है, मतलब दाब लगाकर इनका जो आकार है उसको परिवर्तित करना, इसे ही बोलते हैं कंप्रेशन। तो गाइज आपके जो ठोस होते हैं इन पर जो दाब लगाकर आकार बदलने का जो गुण होता है सबसे कम होता है, यानी कि आप इन पर दाब लगाकर इनके आकार को थोड़ा बहुत ही चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप पूरा ही चेंज कर दो। आगे बात करते हैं विसरण। विसरण का मतलब होता है कि आपका डिस्पेशन, इसका मतलब है कि फैलना। अब मेरे को ये बात बताइए कि भाई आपके विसरण है, विसरण का मतलब है कि फैलना। जैसे मान लीजिए आपने परफ्यूम लगा दिया, तो परफ्यूम क्या होती है आपके, फैल जाती है पूरे रूम के अंदर। तो क्या अगर मैं इसको रख दूं तो क्या आप बताइए फैलेगा क्या? नहीं फैलेगा ना। इसका मतलब क्या है, विसरण जो होगा है ना वो क्या होगा, ठोसों में मिनिमम होता है, न्यूनतम होता है, हालांकि थोड़ा बहुत होता है लेकिन इनमें क्या होता है, बहुत ही मिनिमम होता है। इनमें विसरण क्या होता है, सब में क्या होता है, सबसे कम होता है इनके अंदर। आगे बात करते हैं अंतः आकर्षण बल, यानी कि इनके जो अणु होते हैं जिनसे ये मिलकर बने होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं जिनसे ये कर बने होते हैं, उनके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है, तो ध्यान रखना है ठोस के अंदर सबसे ज्यादा होता है, और इसी के कारण क्या होते हैं, ये अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करते हैं। और अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करते हैं ना, उस गुण को बोलते हैं दृढ़ता, फर्मनेस, ठीक है, इसे बोलते हैं अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करना। आपने देखा होगा, मान लीजिए कोई भी चीज है, ये है, इसको आप थोड़ा बहुत बल लगाते हो ना, इसमें कोई असर नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब ये क्या करते हैं, इनके बीच जो, इनके जो आपके पार्टिकल हैं, इनके जो कण हैं, इनके अवयवी कण हैं, इनके जो घटक हैं, उनके बीच क्या होता है, एक आकर्षण बल पाया जाता है। और क्या ध्यान रखना है, इनके बीच आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है, इस कारण क्या होता है, इनके जो आकार है उनको हम नॉर्मली चेंज नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। इनके बीच जो आकर्षण बल होता है सबसे ज्यादा होता है। अब अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, जो भी ठोस चीज आपको दिख रही है आपके सामने, ठीक है, लकड़ी है, पत्थर है ना, जो भी आपको आपको बहुत सारी चीज यहां पर दिख रही है, कुर्सी, टेबल, चेयर, मार्कर, फोन, बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी सॉलिड के अंदर आती हैं। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे कुछ इंपोर्टेंट आपके एग्जाम्पल के ऊपर, ठीक है। पहला कि आप देखिए, मैंने आप बताया था कि आपका जो जल होता है वो एकमात्र ऐसा पदार्थ होता है जो आपके तीनों अवस्थाओं में मौजूद होता है। तो बात करते हैं ठोस के रूप में कैसे होता है, तो ठोस के रूप में जो पानी होता है इसको हम प्रदर्शित करते हैं H2O और कोष्ठक में लिखते हैं S, यानी कि सॉलिड, इस प्रकार से, ठीक है। अगर किसी पदार्थ के कोष्ठक में ऐसे लिखे जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है यहां पर तीन चीजें होती हैं,
एक होती है सॉलिड, उसको हम ऐसे लिखते हैं ऐसे, एक होती है लिक्विड, उसको हम ऐसे लिखते हैं, एक होती है गैस, उसको हम स्मॉल जी से लिखते हैं, एक होता है विलयन एक्वा, इसको हम एक यू से लिखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कोष्ठक के अंदर अगर कोई चीज लिखी होती है उनका मतलब क्या क्या होता है, ठीक है। तो चलिए यहां पर क्या होती है आपकी जी, जो आपका जल होता है वो आपके बर्फ की फॉर्म में रहता है, तो ध्यान रखना है जो पानी का वह रूप जो ठोस अवस्था में पाया जाता है वो आपका होता है आइस यानी कि बर्फ। अब यहां पर आपसे पूछ लूं मैं कि आपका जो रबड़ का वेंड होता है, मान लीजिए रबड़ या इरेजर तो आपने इस्तेमाल कराया होगा, तो आपने रबड़ जो देखा था उसको हम ऐसे खींच देते हैं है ना, तो उसका आकार बदल जाता है। आप कहेंगे सर इसका आकार तो बदल गया है ना, तो ये आपका रबड़ जो है वो आपका क्या यह ठोस है या गैस है या फिर द्रव है। आप कहेंगे सर इसका आकार तो बदल गया, हमने इसका आकार बदल दिया, जो रबड़ है रबड़ पे हमने बल लगाया और बल लगाने पर इसका आकार चेंज हो गया। लेकिन ध्यान रखना है ये आपके अपवाद होते हैं, क्योंकि बल अगर हटा देंगे वह अपनी पूर्व अवस्था में जाता है, इनके अंदर प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है, इसलिए ध्यान रखना है रबड़ जो है ना वो आपके ठोस अवस्था में ही पाया जाता है, ठोस का ही उदाहरण है सॉलिड का ही। दूसरा आप कहेंगे सर स्पंज जो होता है उसमें क्या हो जाता है, संपीड़न होता है कंप्रेशन होता है, और आपने कहा था कि सर ठोसों में तो कंप्रेशन होता ही नहीं है, फिर सर ये आपका जो ये एग्जांपल ठोस का कैसे है। तो देखिए होता क्या है कि जो आपके स्पंज जो होते हैं ना उनके बीच क्या होता है, उनके बीच रिक्त स्थान पाया जाता है, और रिक्त स्थान आने की वजह से उनके बीच जो गैस के कण हो जाते हैं वो उनके अंदर आ जाते हैं, इस वजह से उनमें क्या हो जाता है आपका संपीड़न संभव है। तो ध्यान रखना है एकमात्र ऐसा ठोस जिसके अंदर संपीड़न संभव है स्पंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये। अब यहां पर बात करते हैं कि इनका जो आकार है वो हम कैसे यहां पर कैसे बताएं, तो आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं जो ठोस होते हैं उनको, मतलब देखिए इनके अवयवीकरण है तो क्या होंगे बहुत ही पास पास होंगे, इस प्रकार से जो आपके ठोस होते हैं उनके अवयवीकरण ऐसे पास पास क्या होते हैं स्थित होते हैं, इस प्रकार से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बात हो गई आपके ठोस की। अब चलिए बात करते हैं आपके द्रव की यानी कि लिक्विड की। तो देखिए लिक्विड होती है ना इनका आयतन क्या होता है, केवल आयतन ही निश्चित होता है। कहेंगे सर कैसे निश्चित होता है, मान लीजिए ये है, अब इसमें मान लीजिए इसके अंदर मैं जितना पानी लेके आया है ना, मान लीजिए इसके अंदर मैं एक लीटर पानी लेके आया, उस एक लीटर पानी को मैंने क्या कर दिया, मेरी एक बाल्टी थी उसमें डाल दिया। अब बताइए वो एक लीटर ही रहेगा या ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा, एक लीटर रहेगा ना, उस एक लीटर को मैंने एक बोतल के अंदर डाल दिया रहेगा तो एक लीटर है ना। मान लीजिए बाजार से एक लीटर दूध लेके आया है ना, उसको मैंने पॉलीथिन के अंदर डाल दिया ये रहेगा तो एक लीटर ही, या उसको मैं आपके बोतल के अंदर लेके आऊं या किसी और पात्र के अंदर लेके आऊं रहेगा तो वो ही ना। इसका मतलब क्या है कि भाई इनका जो आयतन होता है वो क्या होता है निश्चित होता है, लेकिन इनका आकार चेंज हो जाता है। कैसे, जैसे सर इसके अंदर हमने पानी डाला तो इसका जो पानी का आकार है ना, अगर ये ट्रांसपेरेंट होता तो ऐसा दिखता, अगर मैंने इसको पानी जो है उसको गिलास के अंदर डाला तो गिलास की शेप में आ जाएगा, अगर इसको हमने बोतल के अंदर डाला ये बोतल की शेप में रह जाएगा, ठीक है। जिस रूप में हम पानी को डालेंगे वह उसी रूप में ढल जाता है, इसलिए इनका आकार जो है इनके जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है निश्चित नहीं होता, ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे बात करते हैं इनकी डेंसिटी की इनके घनत्व की। तो इसका जो घनत्व होता है ठोस से कम होता है और आपकी जो गैस होती है उससे क्या होता है ज्यादा होता है। आगे बात करते हैं संपीड्यता यानी कि आपका संपीड्यता जो होती है दाब लगाकर इनके आकार को कम करना, इनके इसके जो आयतन है उसको कम करना, आकार को बदलना वे आयतन को कम करना, इसे हम बोलते हैं संपीड्यता, मतलब दाब लगाकर आयतन को कम करना। तो देखिए आप जो है जो द्रव है जब इनके ऊपर प्रेशर लगाते हो तो इनका जो क्या होता है इनका जो आकार आयतन जो होता है कम हो जाता है, लेकिन ध्यान रखना ठोस की तुलना में क्या होता है थोड़ा सा ज्यादा होता है, मतलब इनमें जो संपीड़ित का गुण होता है ठोस से ज्यादा होता है लेकिन गैस से क्या हो जाता है कम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं विसरण। विसरण का मतलब होता है कि इनके कणों का फैलना। तो ध्यान रखना है जो लिक्विड होते हैं उनके कण जो होते हैं आपके गैस के कणों से कम फैलते हैं। जो गैस के कण होते हैं मान लीजिए गैस कैसे फैलेंगे सर, मान लीजिए गैस का सिलेंडर है, गैस के सिलेंडर को आपने छोड़ दिया मतलब उसके अंदर से गैस निकलेगी तो आपने देखोगे वो तुरंत ही फैल जाती है, लेकिन अगर आपने जो आपके वाटर है इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो आपने कोल्ड ड्रिंक तो पी है, कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है कि हम क्या कर देते हैं कोल्ड ड्रिंक जो है उसको ना प्रेशर डाल के और फिर उसको हम फ्रीज के अंदर जब ठंडा करते हैं, अगर आप बोतल खोलते हो आपने ज़रूर देखा होगा जो आपका जो यो निकलता है जो आपकी जो कोल्ड ड्रिंक है वो एकदम से बाहर निकलती है बहुत प्रेशर के साथ, लेकिन वो इतने प्रेशर से नहीं निकलती जितनी गैस निकलती है, इसलिए ध्यान रखना है कि जो विसरण होता है वो आपके
जो विसरण होता है वो आपके क्या होता है, आपके गैसों से क्या होता है, कम होता है, आपके आपके द्रव होते हैं उनके अंदर, लेकिन ठोस से क्या होता है, ज्यादा होता है। आगे बात करते हैं इनके बीच आकर्षण बल की। तो ध्यान रखना है कि इनके बीच जो आकर्षण बल होता है ठोस से क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। इसलिए आपने देखा होगा, मान लीजिए एक तो आपके पास लोहे की कोई चीज़ है, उसको तोड़ने के लिए, इसको तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा ना, मारकर टूट जाएगा तो फिर, है ना। तो मारकर जो है, अगर इसको मेरे को तोड़ना है तो मुझे ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए द्रव है, मान लीजिए आपके पास एक बाल्टी है, कोई पात्र, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, आपको उसमें थोड़ा सा पानी निकालना है, बताइए आपको ज़्यादा दाब, ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा ना। बस लीजिए उसके अंदर से गिलास ले लीजिए, उसके भर के और तुरंत निकाल लीजिए। मतलब क्या है, इनके बीच आकर्षण बल जो होता है ना, आपके ठोस से क्या हो जाता है, कम होता है, लेकिन गैस के कणों से क्या होता है, ज्यादा होता है। आगे बात करते हैं इनके बीच रिक्त स्थान। तो ध्यान रखना है, इनके बीच जो रिक्त स्थान होता है ठोस से क्या होता है, ज्यादा, मतलब इनके जो कण होते हैं थोड़े दूर दूर स्थित होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और इसी कारण क्या होता है, इनमें आकर्षण बल क्या होता है, आपके कम कम लगता है, दूर दूर है तो आकर्षण बल क्या लगेगा, कम कम लगेगा। इसलिए ध्यान रखना है, ये आपके एग्जांपल है लिक्विड के वो। अब एग्जांपल की बात करें लिक्विड की, तो देखिए मैंने आपको बताया था जल जो होता है तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। इसलिए यहां पर बात करें कि आपके जो पानी है वो लिक्विड अवस्था में जब होता है तो किस अवस्था में होता है, तो ध्यान रखना है H2L नॉर्मली जो पानी हम पीते हैं वो आपके लिक्विड अवस्था में होता है। बाकी इसके एग्जाम्पल तो आपको पता है, जो भी तेल आते हैं, जो घी आते हैं, जो आपका दूध होता है, पेट्रोल, बहुत सारी चीजें हैं वो आपके द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलिए आगे बात करते हैं गाइज यहां पर आपके गैस के बारे में। तो देखिए गैस जो होती है ना, तो इनका आकार निश्चित होता है और ना ही इनका आकार व आयतन दोनों निश्चित नहीं होते। आप कहेंगे सर कैसे निश्चित नहीं होते, तो देखिए आकार की बात करते हैं तो गैस जो होते हैं ना, गैस कोई निश्चित आकार में नहीं होती, लेकिन हाँ इनको हम एक निश्चित आकार दे सकते हैं। इनको हम सिलेंडर के अंदर भर सकते हैं, है ना, किसी और के अंदर भर सकते हैं, लेकिन इनका आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता। ये फैली होती है हर जगह, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इनका आकार निश्चित नहीं होता, आयतन भी निश्चित नहीं होता। आप कहेंगे सर सिलेंडर के अंदर जो हम गैस भरा के लाते हैं वो तो हम जितनी भरा के लाते हैं उतनी ही आती है, आप जैसे हम 15 लीटर भरा के लाए गैस सिलेंडर में तो सर वो तो इतनी ही रहेगी, उसका आयतन तो इतना ही रहेगा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ वातावरण के अंदर। आप उसको सिलेंडर से बाहर निकालो, फिर उसका आयतन मेरे को निकाल के दिखाओ कितना आयतन है, उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हम बात ऐसे नहीं कर रहे जो आपने सिलेंडर के अंदर जो भर रखी है उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि आप उसको खुला छोड़ दो और फिर उसका आयतन मापो कितना है, तो उसका आयतन इन्फाइनाइट है भाई। नापो कहाँ तक नापोगे, पूरा वातावरण, पूरा वातावरण है, पूरा ब्रह्मांड है, नापो कहाँ तक नापोगे, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, इसके निश्चित नहीं होते हैं, यानी कि अनिश्चित होते हैं। आगे बात करते हैं इनका जो डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इस सूत्र की मदद से आप निकाल सकते हैं, ये सूत्र से निकाल सकते हैं भाई, जो D बराबर एम अपॉन V, क्यों, इनका V जो होता है आयतन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जब आप भाग लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इनका जो वॉल्यूम है क्या जाएगा, वॉल्यूम बहुत अधिक है, इस वजह से इनका जो डेंसिटी है बहुत ही कम आएगा। और सीधी सी बात है, कोई भी गैस होती है वो आपके हवा में उड़ती ही रहती है, और मैंने आपको बताया था कोई भी चीज़ हल्की जो होती है वो आपके उड़ती है, मतलब तैरती है। जैसे परफ्यूम लगाई, परफ्यूम उड़ के वहाँ चलेगी दूसरे के पास, पता लगेगा कि आपने परफ्यूम लगा रखी है, ठीक है। तो चलिए इसके बात हो गई, आगे बात करते हैं संपीड्यता की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। संपीड्यता का मतलब होता है कि कंपैरिजन, आप दाब लगाकर इसके वॉल्यूम को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। मान लीजिए आपकी गैस है, फैली पड़ी है, आप क्या करोगे, उठा के सिलेंडर के अंदर डाल दोगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संपीड्यता, यानी कि कंपैरिजन। और ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, एक चीज ध्यान रखनी है भाई, CNG क्या होती है, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि जो आपकी जो प्राकृतिक गैस निकलती है ना, जो हम कुएं खोदते हैं पेट्रोल के, वहां पर जो गैस निकलती है नेचुरल गैस, उसको दाब लगाकर, है ना, दाब लगाकर क्या करते हैं, हम इकट्ठा करते हैं, उसके वॉल्यूम को कम कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं CNG, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं विसरण। विसरण का मतलब होता है कि भाई फैलना, उसके कण जो होते हैं उसका फैलना। और आपको ध्यान रखना है, परफ्यूम लगाने पर तो परफ्यूम तो डटती नहीं है भाई, परफ्यूम अगर आपने लगा ली तो परफ्यूम तो पूरे कमरे में फैल जाएगी, या आपने लगा रखी है किसी ट्रेन में आप बैठे हुए तो ट्रेन के पूरे आपके जो कोच है उसके अंदर फैल जाएगी, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं, बस के अंदर पूरे कोच के अंदर फैल जाएगी। तो ध्यान रखना है विसरण जो है
डिसिपेशन है वो आपके गैस में क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं अंतरा अणु का आकर्षण, यानी कि इनके जो अणु होते हैं उनके बीच आकर्षण। भाई आकर्षण बल होता तो परफ्यूम इतनी दूर क्यों आती, क्योंकि उनके जो कण है एक दूसरे को पकड़ के रखते। इसका मतलब क्या है कि सर इनके बीच जो आकर्षण बल होता है क्या होता है, सबसे कम लगता है। ठोस द्रव गैस इन सब में क्या होता है, इनके बीच इनके कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है सबसे मिनिमम होता है, क्योंकि आकर्षण बल नहीं है तभी तो भग गए जो कण दूर दूर, ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे बात करते हैं ये शीघ्रता से फैल जाती है, ये आपको बता दिया भाई शीघ्रता से फैल गई, परफ्यूम लगा लिया आपने तो पूरे जगह फैल जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं आपका पानी जो होता है, पानी का कौन सा रूप जो आपके गैस अवस्था में पाया जाता है, ध्यान रखना है कि स्ट्रीम यानी कि भाप या वाष्प, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहां पर बात करते हैं कि आपके गैस को रिप्रेजेंट कैसे करें, तो गैस के कण क्या होते हैं, बहुत ही दूर 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 स्थित होते हैं, इनके बीच में आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। तो ये आपके थे ठोस द्रव गैस। अब बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में और बीईसी के बारे में। वैसे देखिए आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि भाई जो प्लाज्मा है वो आपकी फोर्थ अवस्था होती है और बीईएस होती है फिफ्थ अवस्था, ये आपको ध्यान रखनी है। प्लाज्मा के बारे में आपको बता दूं, प्लाज्मा क्या होती है, जो आपकी ऐसी गैसें, ठीक है, जिनको हम आयनीकृत कर देते हैं उन्हें हम प्लाज्मा बोलते हैं। और प्लाज्मा एक चमकीली गैस भी आप बोल सकते हो, चमकीली तरंग भी बोल सकते हो, ये आपकी प्लाज्मा होती है प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा की जो आपकी खोज हुई थी वो आपके विलियम क्रुक्स वैज्ञानिक था, उसने क्या की थी, जो आपकी प्लाज्मा थी इसके बारे में पता लगाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका जो नाम दिया गया था वो इरविंग और लैंगम्यूडर, इरविंग लैंगड्यूमर ने दिया था, है ना, पूछ ले तो ध्यान रखना है। और बात करें अगर बीईएस बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में, ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है, इसको भारत के एक महान वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन दोनों के द्वारा क्या किया था, इसको परिभाषित किया गया था, इसके बारे में बताया गया था। और ये कद प्राप्त होती है जब आपकी कोई भी गैस होती है उसको कम घनत्व पर ठंडा किया जाता है, तब पदार्थ की पांचवी अवस्था प्राप्त होती है। तो गाइज ये था पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। बड़ी ही शानदार क्लासेस अपनी हो रही है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए गाइज, जिससे हम अधिक से अधिक मोटिवेशन और मिल सके और अगली क्लास और ही हम अधिक आपको कॉन्टेंट दे सके। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे और कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं क्या हम किसी प्रकार से जो आपकी गैस की अवस्थाएं हैं उनको चेंज कर सकते हैं, क्या ताप दाब किसी प्रकार से, क्या आपकी जो ठोस द्रव गैस है इनके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहां पर बात करते हैं पहले ताप परिवर्तन, यानी कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएं टेम्परेचर घटाएं तो क्या हम जो आपकी जो अवस्थाएं हैं इनको हम चेंज कर सकते हैं, कि जो पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं हैं फिजिकल स्टेट क्या उनको चेंज कर सकते हैं, तो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा, मान लीजिए आपके पास कोई ठोस है, अगर उस ठोस को आप गर्म करोगे तो उसका एक क्या होता है, एक निश्चित क्या होता है, गलनांक होता है। गलनांक क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदल जाता है। मान लीजिए आपके पास कोई भी है, कोई भी ठोस चीज, लोहे की कोई कील है, है ना, आपके पास एल्यूमिनियम का कोई तार है, अगर उसको आप गर्म करोगे तो एक निश्चित तापमान के बाद वह आपके द्रव अवस्था में बदल जाता है। अगर फिर भी आप उसको फिर गर्म करते हो तो वह उसका आ जाता है कौन सा, क्वथनांक बिंदु। और क्वथनांक बिंदु क्या होता है, यानी कि वह मिनिमम तापमान जिस पर कोई द्रव गैस अवस्था में बदल जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसका क्वथनांक बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, तो इसके बारे में आपको बता दूं कि भाई अगर आपके पास कोई ठोस चीज है, मान लीजिए आपके पास ये क्या है, ये आपके पास कोई बर्फ है, अगर आप बर्फ को गर्म करोगे, बर्फ में हीट दोगे तो क्या हो जाता है, वह आपके पानी में बदल जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। अगर आप लिक्विड में वापिस से गर्म करोगे, वापिस से यहां पर द्रव है, द्रव को वापिस से गर्म करोगे तो आपके बन जाएगी गैस या कि वाष्प अवस्था में। इसका मतलब यह है कि भाई हम ताप में परिवर्तन करके जो आपकी भौतिक अवस्थाएं हैं उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तीन बिंदु आपको ध्यान रखने हैं, आपके गलनांक, क्वथनांक और आपके हिमांक, तीनों चीजें क्या होती है आपको फिर से बता दूं। गलनांक होता है मेल्टिंग पॉइंट, वह मिनिमम तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में जलता है, वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पर आपका कोई सॉलिड है, आपका लिक्विड अवस्था में जलता है उसे बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि गलनांक बिंदु। दूसरा होता है
दूसरा जो होता है वो आपका होता है जिसे हम बोलते हैं आपका क्वथनांक बिंदु, यानी कि आपका जो क्वथनांक बिंदु होता है उसकी परिभाषा होती है वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई द्रव गैस अवस्था में जलता है, इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वह मिनिमम टेम्परेचर जब आपका कोई लिक्विड है वो आपके गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई द्रव आपके ठोस अब वो आपके जब कोई आपका द्रव होता है आपके ठोस अवस्था में बदल जाता है उसे हम बोलते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि आपका लिक्विड से ठोस में बदलना उसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ये गाइस आपको ध्यान रखने हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, आपका कोई ठोस है उस पर जब हीट लगाएंगे यानी कि ऊष्मा देंगे आपके लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड में अगर वापस से हीट देंगे वो आपके वाष्प में बदल जाएगा, यानी गैस में, गैस को अगर ठंडा करेंगे कोल्ड करेंगे वापस से लिक्विड में जाएगा, लिक्विड को वापस से ठंडा करेंगे तो आपके सॉलिड में आ जाएगा। इस प्रकार से ताप में क्या कर सकते हैं, ताप में परिवर्तन करके हम भौतिक अवस्थाओं को बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं आपके दाब में परिवर्तन से क्या इफेक्ट होता है भौतिक अवस्थाओं के ऊपर। तो देखिए दाब में परिवर्तन करके क्या कर सकते हैं, दाब में परिवर्तन करके हम ये कर सकते हैं आपके जो पदार्थ हैं उनके जो बीच जो आपकी क्या होती है जो दूरी होती है अवयवी कणों के बीच उसको क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी सीएनजी है ना, तो सीएनजी में क्या करते हैं उसको कंप्रेस जब करते हैं जब उसके ऊपर दाब लगाते हैं तो उसके अवयवी कण जो है वो क्या हो जाए पास पास जाते हैं, मतलब क्या है उसके जो आयतन होता है उसको हम कम कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है दाब परिवर्तन। यहां पर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि भाई जो शुष्क बर्फ है कार्बन डाइऑक्साइड है उसको शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई भी नहीं बताता है, बुक्स में भी आपको नहीं मिलता है क्यों कहते हैं, ये जरूर मिल जाएगा भाई शुष्क बर्फ ड्राई आइस किसे कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, रट लीजिए। लेकिन मैं ये जो क्लासेस शुरू कर रहा हूँ वो आपको समझाने के लिए भाई ऐसा क्यों होता है वो आपके लिए शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना एक एटीएम दाब पर यानी कि एक एटमोस्फियर प्रेशर जो होता है जब इसे हम क्या करते हैं ठोस, जब ये आपके ठोस अवस्था में होती है ना, जब आपके ठोस अवस्था में होती है तो होता क्या है एक एटीएम दाब पर ये क्या करती है सीधे ठोस अवस्था से और सीधी कहां कन्वर्ट हो जाती है गैस अवस्था में। ध्यान रखना है कहां पर कन्वर्ट हो जाती है, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब होनी चाहिए ठोस से द्रव में और फिर द्रव से गैस में। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है एक एटीएम दाब पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या होती है सीधे आपके ठोस अवस्था से गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है CO2 गैस है इसको हम शुष्क बर्फ और ड्राई आइस बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन रेलवे परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि भाई शुष्क बर्फ किसे कहते हैं ड्राई आइस किसे कहते हैं। ध्यान रखना कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कहते हैं। चलिए यहां पर एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जिसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन यानी कि इलेवेशन। अब ये क्या चीज है, तो देखिए ऊर्ध्वपातन क्या चीज होती है, आपके कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जब उनको गर्म किया जाता है ना तो वे ठोस अवस्था से सीधे ही गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट अलग है, ये आपका प्रेशर का कॉन्सेप्ट है, ये आपका अलग है, ड्राई आइस का ध्यान रखना है। ड्राई आइस ऊर्ध्वपातन के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये अलग सिद्धांत है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन जो होता है इलेवेशन क्या होता है, ऐसे पदार्थ जब उनको गर्म किया जाता है जब उनका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो होता क्या है वो आपके ठोस अवस्था से सीधे ही गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि ड्राई आइस देखिए ये आपके दाब पर आधारित है लेकिन ये आपका जो ऊर्ध्वपातन है ताप पर आधारित है, यानी कि आपके ऐसे पदार्थ होते हैं जब आप गर्म करोगे तो ठोस थे लेकिन ठोस से आपके द्रव में बदलने चाहिए फिर आपके गैस में। मान लीजिए आपके पास कोई भी चीज़ है ना, कोई भी आपके पास बर्फ है, बर्फ को आप गर्म करते हो, लोहे की चीज़ है, लोहे की चीज़ गर्म करते हो पहले वो पिघलती है फिर आपके वाष्प में बदलती है। लेकिन यहां पर क्या होता है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जब उनको गर्म करते हो वो सीधे ही गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे पदार्थों को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। एग्जांपल देखिए कपूर, कपूर अगर है आपके पास, कपूर को गर्म करना है जलाना नहीं है, कपूर को गर्म करते हो तो आपके वाष्प बनकर उड़ जाता है डायरेक्टली। नेफ्थलीन NH4Cl जिसको नौसादर भी बोलते हैं और आयोडीन ये इसका एग्जांपल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछे जाते हैं ऊर्ध्वपातन के एग्जांपल, तो मैंने आपको सारे लिखा दिए हैं जो भी आपके इंपॉर्टेंट है वैसे ध्यान रखना है। कपूर और आपके नौसादर हैं ये आपके बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है गाइस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट डाउन कीजिए फिर हम आपको आगे और इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं।
चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं, नाइट हो चुकी है और आपको पता है गांव में जो लाइट का हाल है, दिन में बहुत कम लाइट आती है, वीडियो नहीं बन पाता है और अब जो वीडियोस बनेंगे वो मैं नाइट में शूट करूंगा क्योंकि आज तो यहाँ पर लाइट आ गई थी, कल के वीडियो में क्योंकि आपको पता है रिपब्लिक डे था इस वजह से यहाँ पर लाइट आ गई थी, लेकिन अब जो वीडियोज आएंगे वो नाइट में शूट होंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, अपने यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं इनको हम देखते हैं। पहले हम देखेंगे कणाद सिद्धांत क्या है, कणाद की थ्योरी क्या है, परमाणु क्या होता है, परमाणु की खोज किसने की, अणु क्या होता है, अणु और परमाणु में क्या डिफरेंट होता है, तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, यौगिक मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए कणाद थ्योरी क्या है, भारत का एक वैज्ञानिक था महर्षि कणाद, उन्होंने क्या किया था, लगभग 500 ईसवी पूर्व है ना, लगभग 500 ईसा पूर्व इन्होंने परमाणु के बारे में क्या कहा था कि भाई अगर आपके पास कोई पदार्थ है, अगर आप उसके टुकड़े करते जाओगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पर आप उसके और सरल टुकड़े नहीं कर सकते, उसे इन्होंने परमाणु कहा था। ध्यान रखना है परमाणु की शुरुआत की थी, परमाणु नाम जो कहां से निकल गया ये आपको ध्यान रखना है, महर्षि कणाद। अगर आपसे कोई प्रश्न ऐसे पूछे कि भाई परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया, भारतीय वैज्ञानिक महर्षि कणाद ने बताया था और इसे ही आपके कणाद सिद्धांत यानी कि कणाद थ्योरी कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। बाद में क्या हुआ, बाद में आपके जो आपका डोल्टन था उन्होंने इसके बारे में आपके एक्सपेरिमेंट किए और इसी के आधार पर माना जाता है कि जो परमाणु की खोज की वो आपके किसने की थी, डाल्टन ने। अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसे आए कि भाई परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, ध्यान रखना है महर्षि कणाद। और अगर आपसे डायरेक्टली प्रश्न ये पूछे कि परमाणु की खोज किसने की तो आपको ध्यान रखना है डाल्टन, ठीक है, डाल्टन को ही श्रेय दिया जाता है, लेकिन सबसे पहले एक भारतीय वैज्ञानिक थे महर्षि कणाद, उन्होंने आपके जो एटम आपका जो परमाणु है इसके बारे में सबसे पहले बताया था। तो इन्होंने क्या बताया था इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, जो परमाणु सिद्धांत दिए गए थे उनके बारे में अलग से हम पढ़ेंगे, आपके नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत आएगा है ना, इसके अलावा आपका रदरफोर्ड का आएगा, आपका डोल्टन का आएगा, उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। बस आपको इतना से ध्यान रखना है कि ये भी कह रहा आगे बताऊंगा कि जो परमाणु होता है उसका जो आकार होता है 10^-10 मीटर की कोटि का होता है और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो परमाणु होता है वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है, ये आपके फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, और यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। अब बात करते हैं अणु की, तो अणु शब्द जो है ना, अगर आपसे प्रश्न ऐसे पूछे भाई अणु शब्द किसने दिया, तो आपको ऑप्शन में देखना है डेमोक्रिट्स, ध्यान रखना है डेमोक्रिट्स को श्रेय दिया जाता है आपका जो अणु शब्द है मॉलिक्यूल शब्द का, लेकिन अगर यहां पर ऑप्शन में डेमोक्रिट्स नहीं है फिर आपको देखना है विलियम ओस्टवाल्ड, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको देख लेना है ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में आपको 99% केसेस में मिलेगा डेमोक्रिट्स और डेमोक्रिट्स के ऊपर आपको टिक कर देना है, डेमोक्रिट्स ने आपके जो अणु थी उसकी खोज की थी। अब मैं आपको अणु और परमाणु दोनों में क्या डिफरेंट होता है ये यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए दोनों में क्या डिफरेंट होता है, देखिए मैं आपको बता दूं बड़ा सिंपल सा, देखिए यहां पर स्पेस है, ओके देखिए एक तरफ ले लेता हूं अणु यानी कि मॉलिक्यूल, ठीक है मॉलिक्यूल, और एक तरफ लेता हूं परमाणु यानी कि एटम, दोनों में डिफरेंट क्या होता है देखिए बड़े सिंपल तरीके से हम समझेंगे। एटम देखिए आपसे मैं कहूं कि भाई आनंद आ गया, मान लीजिए कोई चीज हमने खा ली उसको खा के स्वाद सा आ गया, आनंद आ गया, और एक मैं कोई परमानंद आ गया है ना, मतलब परमानंद की प्राप्ति हो गई, तो भाई दोनों में डिफरेंट क्या है, एक तो आनंद है एक परमानंद है, मतलब उससे भी अग्रिम रूप, ठीक है, तो एक तो अणु है एक परम अणु है, अणु क्या है, अणु के बारे में डोल्टन ने कहा था कि भाई परमाणु जो है अणु जो है वो क्या है आपका अविभाज्य कण है, ये आपके इसके बारे में कहा गया था, ठीक है। लेकिन क्या होता है देखिए वर्तमान में अगर मैं आपको बताऊं तो परमाणु के टुकड़े संभव है, परमाणु को तीन भागों में बांटा गया है, कौन कौन से आपको पता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, लेकिन उस समय यही माना जाता था कि आप जो परमाणु है उसको और सरल टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। अब देखिए अणु और परमाणु में ये डिफरेंट है कि अगर पहली बात तो ये कि दोनों में छोटा कौन है, तो ध्यान रखना है कि परमाणु क्या होता है, छोटा होता है, पदार्थ का सबसे छोटा जो रूप होता है वो आपका क्या होता है परमाणु, लेकिन ध्यान रखना परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। आपसे पूछे कि सबसे छोटा रूप पदार्थ जो होता है उसका छोटे से छोटा रूप, ध्यान रखना है कि यह पदार्थ का सबसे छोटा रूप होता है, ध्यान रखना है यह पदार्थ का सबसे छोटा रूप होता है, स्मॉलेस्ट
स्मॉलेस्ट टुकड़ा करोगे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, इट इज कॉल्ड एटम, ये आपको ध्यान रखना है। और जो अणु होता है वो क्या होता है भाई, जो परमाणु होते हैं उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, अणु। यानी जैसे कि आपके जो परमाणु होते हैं, दो परमाणु, तीन परमाणु, चार परमाणु, उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे, अणु। अभी मैं आपके सामने यहां पर प्रूफ करता हूं कैसे। देखिए यह प्रश्न आपके आता है परमाणुकता ज्ञात करने का, परमाणुकता, ठीक है। 2018 में बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे गए थे, एटोमासिटी, इसको शायद यही बोलते हैं, स्पेलिंग में चेक कर लेता हूं, एटोमासिटी, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं इसको क्या बोलते हैं, एटोमिसिटी, ठीक है, एटोमिसिटी बोलते हैं इसको, इस चीज को। अब देखिए परमाणुकता का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी अणु जो है ना वो कितने परमाणुओं से बना हुआ होता है, इसे ही उसकी बोलते हैं एटोमिसिटी। और 2018 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको बताता हूँ कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। देखिए नॉर्मली जो प्रश्न पूछे गए 2018 में कैसे पूछे गए थे, इधर आपको एक तत्व, एक आपको एक इधर तत्व का नाम देता था, इधर उसकी परमाणुता लिखता था और बोलता था इनको आप क्या कीजिए, मिलाइए। तो देखिए जो क्वेश्चन आते हैं आपको बता दूं, मान लीजिए इधर आपका हीलियम है, ठीक है, इधर आपका ऑक्सीजन है, ओजोन है, आपका सल्फर है और आपका फास्फोरस है, ठीक है, फास्फोरस है P4 और सल्फर है S8। तो आपको ध्यान रखना है कि परमाणुता का मतलब क्या होता है कि भाई यह कितने परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है, उसे बोलते हैं किसी अणु की परमाणुकता। तो यहां पर जो हीलियम होता है, हीलियम वर्ग 18 का एलिमेंट होता है, और हीलियम में क्या होता है, जो आपके वर्ग 18 तत्व होते हैं वो उत्कृष्ट गैस विन्यास शो प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इनका अंतिम जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो भरा हुआ होता है, वो किसी अन्य पदार्थों से या अन्य तत्वों से क्रिया नहीं करते नॉर्मल कंडीशन में। तो यहां पर क्या होता है, हीलियम जो होता है उसके अंदर जो इसका जो आपका परमाणु बनता है, उसका जो अणु बनता है, उसमें ध्यान रखना केवल एक ही परमाणु होता है, क्या होता है, केवल एक ही। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर ऑक्सीजन के एक अणु का निर्माण करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओजोन क्या होती है, ओजोन में आपको दिख रहे हैं तीन ऑक्सीजन के अणु, वो तीन ऑक्सीजन के परमाणु जब मिलते हैं तो ओजोन क्या बनती है, ओजोन का एक क्या बनता है, अणु बनता है। P4 फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस के चार आपके परमाणु जब मिलते हैं तब जाकर फास्फोरस का एक अणु मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। और सल्फर जो होती है, सल्फर के आठ परमाणु जब मिलते हैं तब जाकर एक सल्फर का अणु बनता है। तो ये क्वेश्चन 2018 में बार बार पूछा गया था इनमें से, ठीक है, कि निम्न में से मिलान कीजिए परमाणुता। और अगर आपने प्रीवियस सीरीज देखी होगी तो आपको जरूर पता होगा ये प्रश्न आपके पूछे गए थे परमाणुता, बड़ा सिंपल सा ध्यान रखना है, दो का आपको ध्यान रखना है, ये पूछे जाते हैं। आपको पता है भाई हीलियम है इसका एक होता है, ऑक्सीजन का दो होता है, ओजोन का तीन होता है, लेकिन इन दोनों का पता नहीं होता है। ध्यान रखना कि आपका P4 होता है फास्फोरस और सल्फर होता है एसिड, इनका भी आपके पूछा जाता है। तो आपको ध्यान आपके ध्यान में पड़ गया होगा, आपको ध्यान आ गया होगा कि अणु और परमाणु में क्या डिफरेंट होता है। परमाणु क्या होता है, सबसे छोटा रूप होता है, और अणु क्या होता है, जब आप में आपस में कई आपके परमाणु जो मिल जाते हैं वो आपके अणु का निर्माण करते हैं इस प्रकार से। दूसरी बात, जो आपके परमाणु होता है ना वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, यह है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, जबकि यह है रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता है, भाग लेता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो आपको यह चीज जानकारी अणु और परमाणु में कि भाई यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, यह आपके रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। आगे बात करते हैं क्या परमाणु का अस्तित्व संभव है, तो ध्यान रखना है परमाणु का जो अस्तित्व है वो आपके, देखिए परमाणु जो है वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, यानी कि यह स्वतंत्र नहीं पाया जाएगा, जबकि जो अणु है वो आपका क्या हो जाता है, स्वतंत्र पाया जाता है, यानी कि आपका स्थायी बोल सकते हैं आप इसको, और इसको बोल सकते हैं अस्थायी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो ये आपके डिफरेंट है अणु और परमाणु में, दोनों में ध्यान रखना है कि जो परमाणु है छोटा होता है और जब कई परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो एक अणु का क्या होता है, निर्माण होता है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए यहां पर हो गया, तो अब बात करते हैं यहां पर देखिए तत्व के बारे में, एलिमेंट होते क्या हैं। तो तत्व के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, जब अपनी आधुनिक अवर्स आने वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे वहां पर हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए तत्व जो होते हैं, एलिमेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, एक प्रकार के परमाणु जो होते हैं उनके समूह को क्या बोलते हैं, तत्व। एक ही प्रकार के जो एटम होते हैं उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, तत्व। एग्जांपल आप जानते हैं कोई सा भी 118 तत्व हैं वर्तमान में, किसी का भी नाम लिख दीजिए, सारे सारे क्या है आपके, एलिमेंट ही हैं, ठीक है। जैसे आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, आपका कॉपर, तांबा, जिंक, एल्युमिनियम, बहुत सारे हैं, किसी का नाम लिख दिया ना, तो ये आपके सारे के सारे क्या है, एलिमेंट है। अब बात करते हैं यहां पर, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, यौगिक और मिश्रण दोनों में क्या डिफरेंट होता है, यहां से गाइज बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। देखिए
यौगिक क्या होते हैं? यौगिक, अगर आपके पास कोई तत्व है, अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा तत्व हैं, अगर आप कोई उनको एक निश्चित अनुपात में मिलाते हो, निश्चित रेशो में मिलाते हो ना, तो बनता है आपका यौगिक। लेकिन अगर आपने ऐसे ही मिला दिया, ठीक है, कोई निश्चित रेशियो नहीं लिया, उसे हम बोलते हैं मिश्रण। ध्यान रखना है, मिक्सर क्या होता है, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि भाई मैं चाय बना के लाया और आपसे पूछूं कितनी चीनी चाहिए, तो चीनी फिक्स थोड़ी होती है, भाई इतनी चीनी ही डालनी होती है, तो वो क्या होता है आपका मिश्रण, मतलब कितनी डालूं कोई फिक्स नहीं है। लेकिन आपका जो यौगिक होता है उसमें क्या होता है, फिक्स होता है कि भाई एक जो आपका तत्व है और दूसरा तत्व है उनका रेशियो है, यहाँ पर फिक्स लिया जाता है। और जो जो आपका नियम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये आपका 2018 में बहुत बार पूछा गया था, ये आपके जोसेफ प्राउस्ट ने इसकी खोज की थी। ये प्रश्न एक बार पूछा गया है 2018 में, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, किसने दिया था, तो ध्यान रखना है जोसेफ प्राउस्ट, लिख लीजिए जोसेफ प्राउस्ट, ठीक है, जोसेफ प्राउस्ट ने ये नियम आपके दिया था जिसको बोलते हैं निश्चित अनुपात का नियम, यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जब कोई यौगिक बनता है ना, सुन लीजिए इस नियम को, लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं यूथ पब्लिकेशन बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन आपका देखिए कि निश्चित अनुपात का नियम क्या है, तो यहां पर निश्चित अनुपात का नियम यह कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो आपके यौगिक बनता है, कंपाउंड बनते हैं, उसमें तत्वों का जो रेशियो होता है ना हमेशा निश्चित होता है। तत्वों का जो रेशियो होता है ना, तत्वों का जो अनुपात का, तत्वों की जो परमाणु भार का रेशियो होता है, वो हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है। आपके सामने प्रूफ करके दिखाता हूँ, मुझे थोड़ा सा स्पेस सही होगा, मैं इसको आपके हटा देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को बैक लेके, ठीक है। देखिए तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, निश्चित अनुपात का नियम क्या कहता है, मान लीजिए आपका H2 है, कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई उसमें ये आपका H2O बना, तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, इनका जो रेशियो है ना हमेशा क्या होगा आपका निश्चित रहेगा। कैसे, देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है एक होता है, और हाइड्रोजन कितने हैं, दो, अनुपात। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आपको पता है जो ऑक्सीजन है उसका अणुभार जो होता है आपका होता है 16, है ना, तो 2:16 यानी कि 1:8। और ये क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछा जाता है ये वाला, कि आपका जो जल होता है ना, जो आपका वाटर होता है उसमें हाइड्रोजन और आपका जो ऑक्सीजन है उसका रेशियो, ये मैंने इधर लिखा है हाइड्रोजन, इधर लिखा है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, तो ध्यान रखना है 1:8। इसे ही निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं, यानी कि पानी कहीं भी किसी भी अभिक्रिया में अगर पानी बनेगा, वाटर बनेगा, तो उसके बीच जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा ना, ध्यान रखना है कितना होगा, 1:8, और आपका 8 ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए एक और अगर मैं आपको बताऊं, मान लीजिए NH3 जो है, NH3 अगर मैं इसकी बात करूं तो NH3 नाइट्रोजन का आपको पता होना चाहिए, नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14, रेशियो हाइड्रोजन कितने हैं, 3, एक हाइड्रोजन कितना होता है, 1, तो यहां पर जो रेशियो आएगा वो हो जाएगा 14:3। ओके गाइज, तो इसे हम बोलते हैं निश्चित अनुपात का नियम। ऐसे ही अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड CO2, देखिए कार्बन का और ऑक्सीजन का मेरे को निकालना है, कार्बन इधर, ऑक्सीजन इधर, तो कार्बन कितने नंबर पे आता है आपको पता होगा, 12 नंबर पे, और रेशियो ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन का परमाणु भार जो होता है वो आपका होता है 16। आगे मैं आपको बता दूंगा परमाणु भार कैसे निकालते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप ये देख लीजिए, अब यहाँ पर देखिए 12 और रेशो 16 दोनों क्या हो जाएगा, 32। अब अगर यहाँ पर आप भाग लगाओगे किससे, यहाँ अगर आप भाग लगाते हो चार का भाग दोनों में जा रहा है, तो देखिए 4 × 3 = 12 और 8 × 6 = 32। तो ध्यान रखना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है CO2, उसमें सी और ओ का जो रेशियो होता है 3:8 होता है, इसे बोलते हैं निश्चित अनुपात का नियम। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें अगर आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है ना, तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है 3:8 होता है, इसे बोलते हैं निश्चित अनुपात का नियम, यानी कि आपका लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है गाइज, आशा करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए ये आपका होता है यौगिक, ठीक है। अब इसका एग्जांपल की बात करें, जैसे आपका NaCl है, H2O है, NS4 है, H4 है, और मैंने आपको NS3 CO2, ये आपके इसके एग्जांपल है। अब बात करते हैं मिक्सर की, यानी कि आपका मिश्रण की। मिश्रण के बारे में अभी आपको बताया था
अगर आपने दो या दो से अधिक जो एलिमेंट हैं, दो या दो से अधिक तत्व हैं, अगर आप उनको भी निश्चित रेशियो में नहीं मिलाया, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे जो आपका नया पदार्थ बनता है उसे हम बोलते हैं मिश्रण, यानी कि मिक्सर। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं मिश्रण होता है जो आपका मिक्सर होता है कितने टाइप का होता है। ध्यान रखना है दो टाइप का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण यानी कि होमोजीनियस मिक्सर, एक होता है विषमांगी, इसको बोलते हैं हेटरोजीनियस मिक्सर। दोनों में क्या डिफरेंट होता है, चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए नाम से ही पता लग रहा है कि होमोजीनियस यानी कि आपके समांगी मिश्रण, इस प्रकार का जो मिश्रण होता है ना उसकी जो भौतिक अवस्थाएं होती है वो एक जैसी होती है ना। मान लीजिए जैसे लिक्विड लिक्विड हो, ठोस ठोस हो, तो ऐसे आपके ऐसे मिश्रण, ऐसे मिक्सर जिनकी भौतिक अवस्था या आप बोलें तो उनकी जो फिजिकल स्टेट है एक जैसी होनी चाहिए सारे एलिमेंट की। इसके अलावा दूसरी विशेषता यह है कि समांगी मिश्रण होते हैं, अगर आप उनको देखते हो तो उनमें जो तत्व हैं जिनसे वो मिलकर बना हुआ होता है आप उनमें विभेद नहीं कर सकते, मतलब डिफरेंट करके नहीं बता सकते कि भाई समांगी मिश्रण है ये किस किस से मिलकर बना हुआ होता है, ये आपकी विशेषता होती है समांगी मिश्रण की। जैसे एग्जांपल की बात करूं हवा, अब जो हवा के बारे में आप जानते हैं, हवा जो हम ले रहे हैं, क्या आप ऐसे मान लीजिए हम नाक से सांस ले रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हम नाक से सांस ले रहे हैं और आपको पता है कि हमारे शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अब आप कहेंगे जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछूं नॉर्मली कि भाई बताइए हम श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि श्वसन में हम नाक के द्वारा कौन सी गैस लेते हैं, आप कहेंगे सर हम तो ऑक्सीजन लेते हैं। अरे चल झूठे, ऑक्सीजन नहीं लेते, आपकी नाक में कोई फिल्टर लगा रखा है क्या, आपकी नाक से सर केवल ऑक्सीजन ही अंदर जाएगी। भाई पर्यावरण में 78% नाइट्रोजन है, तो सीधी सी बात है नाइट्रोजन अंदर जाएगी नहीं जाएगी, उसके साथ ऑक्सीजन भी जाएगी, नाइट्रोजन भी जाएगी, ठीक है, और भी गैस हैं जो भी जाएंगी। लेकिन होता क्या है कि हमारे शरीर में जब जो ब्लड जो होता है, ब्लड के साथ जो हम जो रिएक्शन होती है जब श्वसन लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस ही उसके साथ जुड़ जाती है, बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या इसके अलावा जो नाइट्रोजन गैस होती है जो हम सांस में लेते हैं वो बाहर निकाल देते हैं। कहने का मतलब यह है आपकी आप ये बता सकते हो कि जो हवा आप ले रहे हो, ठीक है, वो समांगी मिश्रण होने के कारण आप ये पता नहीं लगा सकते कि भाई मैं सांस ले रहा हूं तो सर ये नाइट्रोजन इसको मैं नहीं लूंगा, ठीक है, ये ऑक्सीजन हाँ तू आ जा मैं तेरे को सांस के अंदर ले लूंगा, तू कार्बन डाइऑक्साइड है तुझे नहीं लूंगा, ऐसे कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसे बोलते हैं समांगी मिश्रण यानी कि होमोजीनियस मिक्सर, यानी कि ऐसे मिक्सर जिनके जो अवयव हैं, जिनके जो अपघटक हैं, है ना, उनको हम पता नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते ना भाई, हवा जो है हवा में सारी है। अब आप ऐसे थोड़ी कहेंगे सर ये कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें सांस के द्वारा नहीं लूंगा, सर ये तो नाइट्रोजन है इसको मैं सांस के द्वारा नहीं लूंगा, ऐसा थोड़ी होता है, है ना। तो ऐसे मिक्सर जिनको हम पता नहीं लगा सकते हैं कि भाई वो किस घटक से मिलकर बने हुए होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आपके होमोजीनियस यानी कि आपका समांगी मिश्रण। जैसे नमक इन वाटर, अब देखिए पानी में अगर नमक घोल दिया, मान लीजिए एक दो बाल्टी रख दी आपके सामने, मैंने एक के अंदर नमक घोल दिया, ठीक है, एक के अंदर नमक घोल दिया मैंने पानी के अंदर और एक में चीनी घोल दी, बताओ आप देख के बता सकते हो क्या कि भाई कौन सी बाल्टी में नमक है कौन सी में पानी, टेस्ट नहीं करना है सिर्फ देखना है, नहीं लगा सकते ना। तो ऐसे ही जो आपके मिश्रण होते हैं ना उन्हें बोलते हैं होमोजीनियस, यानी कि आप देखकर ये पता नहीं लगा सकते कि वो किस किस से मिलकर बने हुए होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं आपके होमोजीनियस। ठीक है, आशा करते हैं कि ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से गाइस समझ आ गया होगा, और गाइस समझ आ रहा है ना प्लीज यार शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जब आप लोग देखोगे अधिक से अधिक तब हमें और मोटिवेट मिलेगा और कंटेंट देने का हमको मन करेगा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए देखो नाइट में वीडियो शूट कर रहा हूं मैं, दिन में लाइट आती नहीं है गाँव में। चलिए अब आगे बात करते हैं विषमांगी के ऊपर यानी कि हेटरोजीनियस के ऊपर। हेटरोजीनियस के बारे में देखिए दो चीज आपको ध्यान रखनी है, पहली बात तो ये कि जो हेटरोजीनियस होते हैं इनमें जो भौतिक अवस्था है समान भी रह सकती है और अलग अलग भी हो सकती है, कोई निश्चित नहीं है, है ना। लेकिन इनमें क्या होता है, ज्यादातर जो होता है जो आपके विषमांगी होते हैं इनमें यह होता है कि जो भौतिक अवस्था होती है उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर होता है, है ना। तो यहां पर क्या होता है कि विषमांगी मिश्रण होते हैं इनकी जो भौतिक अवस्था होती है उनमें क्या होता है डिफरेंट होता है, नोट कर लीजिए कि जो आपके विषमांगी मिश्रण होते हैं हेटरोजीनियस मिक्सर होते हैं उनकी भौतिक अवस्था में अंतर पाया जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा जो आपका इनकी विशेषता है वो ये है कि जो विषमांगी मिश्रण है आप उनको देखकर पता लगा सकते हो कि उनके जो अवयव हैं कौन कौन से हैं, किन किन से मिलकर वो बना हुआ होता है, ये आप पता लगा सकते हो नॉर्मली। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें आप पता नहीं लगा सकते, बस डिफरेंट तो दोनों में यही है कि भाई जो समांगी है वो एक जैसी भौतिक अवस्थाओं से मिलकर बना होता है जबकि विषमांगी है वो आपकी अलग अलग प्रकार की भौतिक अवस्था, इनकी एक ठोस द्रव भी हो सकती है, द्रव गैस भी हो सकती है, वो आपसे मिलकर बने हुए होते हैं। चलिए
बात करते हैं इसके एग्जांपल की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि आपका दूध, आपका बादल और आपकी धुआं। सर बताइए, समझ नहीं आ रहा है, प्रूफ करके दिखाइए हमको तो, कि बादल एक विषमांगी मिश्रण है, दूध एक विषमांगी मिश्रण है, सर प्रूफ करके दिखाइए। ये तो हम बुक में से ही पढ़ लेते, अगर रटना ही होता तो हम बुक को ही रट लेते, ठीक है, कि विषमांगी मिश्रण है, रट लीजिए, दूध धुआं और आपका बादल, ये इसका एग्जांपल है। तो देखिए, चलिए बताते हैं आपके लिए। देखिए, दूध जो होता है, अब आप सोच रहे हो सर दूध है, दूध तो दूध ही है, ये आपका विषमांगी कैसे है? मैं आपको बता दूं, दूध है वो विषमांगी है क्योंकि दूध के अंदर होती है क्रीम, यानी कि फैट, पता होगा ना, दूध आप बेचने जाते हो तो फैट के आधार पर तो आपको पैसे मिलते हैं, जो आपकी डेयरी होती है वहां पर फैट टेस्ट होता है, भाई इसके अंदर कितनी वसा है, कितना फैट है, उसी के आधार पर ही तो आपको पैसे मिलते हैं। तो उसके फैट होती है ना, फैट होती है और पानी होता है, दोनों का रेशियो होता है, ध्यान रखना, फैट और पानी दोनों का रेशियो होता है ना, दो चीजों से मिलकर बनी हुई होती है, इसलिए क्या है, विषमांगी है। चलिए इसका करते हैं पोस्टमार्टम, आपके बादलों का। अब कहेंगे सर बादल ये विषमांगी कैसे है? तो देखिए, बादल जो होते हैं उनके अंदर, बादलों के अंदर आपका पानी भी होता है, बादलों के अंदर मिट्टी के कण भी होते हैं, बादलों के अंदर बहुत सारे आपके विस्फोटक पदार्थ भी हो सकते हैं, बादलों के अंदर बहुत सारे धूल के कण ये भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकती है। अब बताइए, हो गया ना मिक्सर, बन गया ना कचड़ा, इसलिए क्या है, आपका जो बादल है यानी कि क्लाउड है वो क्या है, आपका विषमांगी मिश्रण है। चलिए इसके बाद बात करते हैं धुआं। सर धुआं तो समझ नहीं आ रहा, दोनों तो समझ आ गया, सर धुआं तो धुआं ही है, सर धुआं में तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा, भाई धुआं में कोई लिक्विड थोड़ी है, धुआं में कुछ और थोड़ी है। तो आपको बता दूं, धुआं भी एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि हम धुआं को अगर फिल्टर पेपर की मदद से अगर इसको हम क्या करना चाहें, अलग करना चाहें, मान लीजिए जो गैस गैस है अगर उसको हम अलग करना चाहें तो वो अलग नहीं होती है, इसलिए हम मानते हैं कि यहाँ पर जो विषमांगी उदाहरण है वो आपका स्मोक है। ओके गाइस, आशा करते हैं आज की क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार रही होगी, और मैंने भी अपनी पूरी जी जान लगा दी है, ठीक है, पूरा एनसीईआरटी पर बेस्ड। और कल हम एक स्पेशल क्लास करेंगे जिसमें हम करेंगे आपके मोल सिद्धांत क्या है, अणुभार, परमाणु भार कैसे निकालते हैं, अवोगाड्रो संख्या, मूल कैसे निकालते हैं, इनके बारे में, ठीक है, कल हम कंटिन्यू करेंगे गाइस। तो आशा करते हैं आज की जो क्लास है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रही होगी, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना गाइस, ताकि जो अगली क्लास है उसमें और मोटिवेशन और अच्छा कॉन्टेंट हम आपको दे पाए। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।